सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटें सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं, के सजना है मुझे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज है करवा चौथ, जिसका हम सभी लेडीज़ को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहां पर मैं अपने कान्हा जी को नहला रही हूं। इनको आज मैंने सिंपल पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर उससे नहलाया है, वरना मैं इनको दही से, चंदन से, पंचवरस से, जो भी मेरे पास होता है उसी से नहला देती हूँ, और बाद में मैं इनको सिंपल पानी से नहला दूंगी। अब मौसम थोड़ा चेंज होने लगा है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना पानी करके लिया है। अब इनको अच्छे से पोंछ कर कपड़े पहना देंगे। तो ज़्यादा तो मैं इनका कुछ नहीं कर पाती, जितना भी मुझसे हो पाता है उतना ही मैं इनका कर देती हूँ। और इनको कपड़े पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे कान्हा जी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और ये देखिए, मैं इनके लिए नई ड्रेस लेकर आई थी, बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये, क्योंकि जब कोई फेस्टिवल होता है उस पर हम नए कपड़े पहनते हैं। तो कान्हा जी को भी मैं हर फेस्टिवल पर नए कपड़े ज़रूर पहनाती हूँ और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर कान्हा जी बस तैयार हो ही गए हैं। और फ्रेंड, जिसके भी पास लड्डू गोपाल हैं और वो किस तरह से इनकी सेवा करते हैं तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे। यहाँ पर कान्हा जी हमारे तैयार हो गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए आप। सुंदर तो खैर रोज ही लगते हैं, लेकिन जिस दिन हम इनको अच्छे से तैयार करते हैं उस दिन ये और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और मैंने इनको यहाँ पर चंदन का टीका लगा दिया है, और मैं भी नहा ली हूँ, लेकिन अभी तैयार नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि मेरे बाकी के काम अभी बचे हुए हैं, उनको करने के बाद ही मैं तैयार हो पाऊँगी। और आज संडे है तो दीपक भी घर पर रहेंगे, तो पीयू दिन में बिल्कुल भी नहीं सोएगी। जिस दिन ये घर पर होते हैं पीयू उस दिन में बिल्कुल नहीं सोती और बहुत ज़्यादा परेशान करती है हमें। तो मैंने सोचा कि फटाफट से उठकर आज चले झाड़ू पोछा कर दूँ, उसके बाद नहा लूँगी। तो यहाँ पर मेरा आधा काम तो हो ही गया है, और बाकी का जो काम बचा हुआ है उसी में पूजा करने के बाद कर लूँगी। तो बस पूजा भी मेरी यहाँ पर हो ही गई है। और यहाँ पर मैं इनको दूध और मिश्री का भोग लगा दूँगी। वैसे मैं सुबह के टाइम इनको दूध और लड्डू का भोग लगाती हूँ, लेकिन इनके लड्डू अब ख़त्म हो गए हैं और बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक तो दिन भी बहुत छोटे होने लगे और पीयू भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो कुछ भी काम नहीं करने देती। लेकिन जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा सबसे पहले मैं इनके लड्डू ही बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा। तो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह मैंने यहाँ पर कर ली है और ये गए हैं नहाने के लिए। जब तक मैं इनके लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर दूंगी, क्योंकि मुझे भी फिर तैयार होना है। तो चलिए मैं इनका फटाफट से पहले नाश्ता बना देती हूँ। और यहाँ पर मैं नाश्ते में ब्रेड सेक रही हूँ, क्योंकि पीयू को ब्रेड खाने थे। तो मैंने दीपक से पूछा भी था कि आपके लिए तो खाना बना दूँ, तो इन्होंने खाना बनाने के लिए मना कर दिया। कहने लगे मेरे अकेले के लिए अब क्या खाना बनाएगी, मैं भी ब्रेड ही खा लूँगा। अगर आप खाना बनाओगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा खाना बनाने में, फिर तुम्हें तैयार भी होना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों के लिए ब्रेड सेक दिए हैं और ये सिंपल ही खाते हैं। और इनके लिए मैंने यहाँ पर चाय बना दी है, पीयू के लिए दूध गर्म कर दिया है। बस जल्दी से इनको नाश्ता बनाकर दे दूँगी, उसके बाद किचन साफ़ करके मैं भी तैयार हो जाऊँगी। लेकिन अभी कहाँ तैयार हो पाऊँगी, पहले तो पीयू को मक्खन लगाकर बाहर भेजूँगी इनके साथ, तभी तैयार हो पाऊँगी। अगर इसे पता चल गया कि आज मैं मुझे तैयार होना है तो ये बिल्कुल नहीं जाएगी इनके साथ। इसे ये लगता है कि मैं इसे छोड़कर चली जाऊँगी कहीं पर। तो यहाँ पर नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, अब मैं इनको दे आऊँगी, और जो मेरे बाकी के बचे हुए काम हैं उनको भी मैं कर लूँगी। मैं हम खा रहे नाश्ता अपना, और बाबा पी रहे चाय, और मैं खाऊंगा खाना।
और ये फ्रेंड ये फिर मैं ये मम्मी को तैयार नहीं होने दूंगा। वो ये फ्रेंड यार मैं इससे लगी हुई आगे तो फिर मैं फ्रेंड जो मैं तैयार हो जाएंगी तो फिर मैं बाहर चला जाऊंगा। बस बस हो गया, बोलिए और बोलना है, क्या बोलना है? वो बोलना है हेलो फ्रेंड, बोलो हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं मम्मी को मैं तैयार नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने इनको नाश्ता बनाकर दे दिया है और ये मतलब मेरी नकल कर रही है। मैं इनसे बोल रही थी कि मैं इसको आपके साथ बाहर भेज दूंगी क्योंकि मुझे तैयार नहीं होने देगी, बहुत परेशान करती है ये मुझे, तो इसलिए जाएगी इनके साथ अब घूमने के लिए बाहर। और जब तक मैं तैयार हो जाऊंगी तो मैं तैयार होने की वीडियो तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे फटाफट से तैयार होना है, फिर ये आ जाएंगी मैडम। और ये बहुत बड़ी दुश्मन है लिपस्टिक की, है ना पियो? देखो और ये बिल्कुल भी मेरी लिपस्टिक नहीं छोड़ती। जब भी मैं मेकअप कर स्टार्ट की मुझे भी लिपस्टिक लगानी है, मुझे भी लगानी है, और लगानी भी है और तोड़नी भी है ना पियो? फटाफट से नाश्ता कर लो फिर घूमने जाना, ठीक है? नमक कैसे लग रहे हैं बेटा? इनमें नमक लग रहा है, नमक से क्या लग नहीं रहे हैं ये? तो हम सेक कर लग जाते हैं, सेक के क्या? सेक के नमक, सेक पर नमक लग जाता है, सेक इन पर नमक लग जाता है। तो हमने अच्छा तुम आपने उसमें डाला था, डाला था। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपसे मिलती हूँ मैं तैयार होने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और ये देखिए मैंने इस बार जूड़ा बनाया है, पता नहीं कैसे बना होगा क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो बहुत मुश्किल हो गया जूड़ा बनना। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ यहाँ पे और नेल पेंट नहीं लगी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ कहानी सुनने के लिए, मम्मी का बार बार फ़ोन आ रहा है। तो नेल पेंट तो मैं बाद में भी लगा लूँगी, कोई बात नहीं, खैर पर चलो जैसी भी तैयार हो गई, हो गई मैं। मेरा फाइनल लुक। तो अब कहानी सुनने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, मम्मी का बार बार फोन आ रहा है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, तो चलिए अब कहानी सुन लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ मुझे फोन पर सुना रही है कहानी क्योंकि यहाँ पर आसपास में कोई किसी के यहाँ पर आता जाता नहीं है, सब अपने घर में ही सुन लेते हैं कहानी। तो सब जगह के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं लेकिन मेरे ससुराल में सब एक साथ बैठकर कहानी सुनते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है, तो उस टाइम को मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। और सच में फ्रेंड जो त्यौहार अपनी फैमिली के साथ मनाने में अच्छे लगते हैं वो अकेले में नहीं लगते, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है हमारी ना जाने की क्योंकि एक तो दूर इतना हो गए और फिर दीपक की छुट्टी भी नहीं होती कि जो हम सुबह को जाकर शाम को वापस आ जाएँ, जैसे कि आज संडे था इस बार करवा चौथ संडे की है कि हम सुबह को जाकर शाम को वापस आ जाते क्योंकि अगले दिन इनकी ड्यूटी भी होती है और फिर ये त्यौहार रात को ही मनाया जाता है तो इस वजह से हम नहीं जा पाते। और मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता क्योंकि मेरे कान्हा जी मेरे साथ रहते हैं तो मुझे ये लगता है कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है। और यहाँ पर इसको देखो, इसने मुझे कितना परेशान किया कहानी सुनते वक्त, इसने मेरे सारे जो चावल हैं वो जल के लोटे में डाल दिए उठा उठा कर, बहुत परेशान करती है ये। तो यहाँ पर मैंने कहानी सुन ली है और फ़ोन पर ही मम्मी को नमस्ते करके उनका आशीर्वाद ले लिया है और मम्मी मुझे यहाँ पर फ़ोन पर ही आशीर्वाद दे रही हैं और अच्छा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो कथा मैंने यहाँ पर सुन ली है और अब मैं ये चावल रुमाल में बांध लूँगी, शाम को चांद को देखकर जल जब दूँगी तो इनको खोल दूँगी। तो फ्रेंड्स कहानी मैंने सुन ली है और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय क्योंकि काफी लेट हो गए कहानी सुनने के लिए, तो चलिए मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर चेंज करके सूट पहन लिया है क्योंकि मुझे अब खाना बनाना है और मेरी सासू माँ ने बोला है कि दिन छिपने से पहले पहले पूछ लेना, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से खाना बना लूँ क्योंकि अब तो पियो भी सो रही है, सब काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे वरना वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। और मैंने यहाँ पर अपना जूड़ा नहीं खोला है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बाल बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत प्रॉब्लम हुई थी जूड़ा बनाने में, इसलिए मैंने सोचा कि जैसा भी बन रहा है बना रहने दूं, थोड़ी देर की बात है। तो चलिए फटाफट करते हैं खाने की तैयारी।
तो आज के दिन हमारे यहाँ पर खाने में कढ़ी चावल और फुलके बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कढ़ी बनाकर ही तैयार करूँगी, क्योंकि कढ़ी बनाने में सब में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं मट्ठे में थोड़ी सी हल्दी, बेसन और नमक डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और इसमें से थोड़ा सा मट्ठा निकाल लूँगी पकौड़ी बनाने के लिए। और चावल मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और अब मैं यहाँ पर आटा लगा लूँगी, जिससे कि बस जल्दी जल्दी से खाना बन जाए। और मुझे बहुत जल्दी जल्दी लग रही है कि पीहू के उठने से पहले पहले मेरा सारा काम हो जाए, पर मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि उसके उठने का टाइम हो रहा है। अगर वो उठ गई तो फिर तो मुझे कुछ नहीं करने देगी। और फ्रेंड्स, सच बताऊँ आपको, आज के दिन मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है, अपनी सासू माँ की। क्योंकि जब हम ससुराल में होते हैं, मैं और मेरी देवरानी, तो मम्मी आज के दिन हमसे खाना नहीं बनवाती हैं और यहाँ पर हमें सब छोटे बड़े काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं कढ़ी के लिए पहले पकौड़ी बना लूँगी। और फ्रेंड्स, मैंने कुछ ऐसा भी सुना है कि जितना टेस्ट आज की कढ़ी में आता है, उतना किसी और दिन की कढ़ी में नहीं होता। इसे चाहे आप कितने भी सिंपल तरीके से बना लो या तड़का लगाकर बना लो, इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कुछ ऐसा सुना है या नहीं सुना है। और मैडम जी उठ चुकी हैं, तो मैं फटाफट से पहले कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वो मुझे बनाने नहीं देगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बहुत जल्दी जल्दी करके कढ़ी बनाई है, क्योंकि फिर ये मुझे बनाने नहीं देती। तो कढ़ी बनकर तैयार हो गई है और इसमें से मैं कान्हा जी की निकाल लूँगी और बाद में प्याज का तड़का लगा दूँगी। तो चावल, फुलके और कढ़ी मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं करवे के सामने चावल डाल दूँगी और सबसे पहले हल्दी से करवे पर तिलक करूँगी, क्योंकि मेरी सासू माँ इसी तरह से पूजती हैं और उन्होंने हमें इसी तरह से बताया है, मुझे और मेरी देवरानी को, तो हम भी इसी तरह से पूजते हैं। तो सबसे पहले तो हल्दी से तिलक लगा देंगे करवे के ऊपर। और इस मैडम को देख लो, इसने तो आज बिल्कुल आतंक मचा रखा है। अब ये चावल उठा के फिर इस करवे में डाल देगी। सुबह भी इसने यही किया था जब मैंने कहानी सुनी थी, आज तो ये बस मुझे परेशान करने में लगी हुई है। और बस अब चावल से 7 बार करवे के ऊपर डाल देंगे। और ये मैडम भी बिल्कुल इसी तरह से कर रही है जैसे मैं कर रही हूँ, देखो इसको भी। और अब करवे में से थोड़ा सा पानी लेकर 5 बार चारों तरफ को घुमा देंगे। तो इसी तरह से पूजते हैं हमारे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पूज दिया है और इस बायने को हम अपनी सास को देते हैं। तो मम्मी यहाँ पर नहीं है, सामने एक दीदी रहती हैं, मैं उनको दे आऊँगी इसको। तो मम्मी को बायना तो दे नहीं सकते, बस उनसे फ़ोन कर उनका आशीर्वाद ले लूँगी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कान्हा जी को भोग, क्योंकि हम तो अभी खाना नहीं खा सकते, चाँद देखने के बाद, जल देने के बाद ही खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कान्हा जी को भोग लगा दिया है और अब इंतज़ार करते हैं चाँद का, देखते हैं किस टाइम तक चांद निकलता है, क्योंकि मौसम आज बहुत ज्यादा खराब है। चाय और मैं खा रहा हूँ खाना, और फ्रेंड मम्मी को मैं पपड़े नहीं पहनने दूंगा, और फ्रेंड फिर मैं बाहर चला जाऊंगा जब खाना खा के, और फ्रेंड फिर मम्मी अपने नहीं भी लग जाते के लिए बाय, थैंक यू। पीयू, आप किसकी नकल करते हो ये? मम्मी की। मम्मी की? मम्मी कब बोलती है ऐसा? अभी और मम्मी वो कैसे बोल दी है कि पकोड़े बनाएंगे आज, बोल के बताओ अब आप जल्दी से। हेलो फ्रेंड, हम बनाएंगे पकोड़े, दही के साथ खाएंगे, और फ्रेंड आपको पता भी नहीं चलेगा, नहीं करनी, और फ्रेंड आपको पता भी नहीं चलेगा ये आइए आपके घर पर बने हुए हैं, फिर मैंने हमने नहीं बोला, थैंक यू। ये कितनी नकल करती है मेरी, जब भी मैं वीडियो में बोलती हूँ तो ये उसी बात को कैच कर लेती है और पूरे दिन ऐसे ही बोलते फिरती है ये, है ना पीयू? कैसे बोलते हो? हेलो फ्रेंड।
हेलो प्लेन, चलो तो अब छोई छोई कर लो। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं अपनी थाली तैयार, क्योंकि चांद निकल गया है। वैसे मौसम बहुत ज्यादा खराब था, उम्मीद नहीं थी कि आज चांद दिखाई भी देगा या नहीं, लेकिन गणेश जी महाराज की कृपा से चांद दिखाई दे गया, तो मैंने यहाँ पर थाली तैयार कर ली है। और चलिए देखते हैं चांद को। पीयू, आज तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, क्या है ना, क्यों करते हो इतना परेशान? थाली है, थाली है, मुझे पता है थाली है। चलो चंद्रमा को देख के आते हैं, हाँ पूजा करेंगे। चलो सॉरी फ्रेंड्स, ये क्लिप अच्छे से नहीं बन पाई क्योंकि पीयू बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे फ़ोन लेना था इनका और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था और बाहर मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था जिसकी वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी। और ये क्लिप जल्दी जल्दी में ऐसी बनी है क्योंकि पीयू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और आपने देखा भी है कि कितना परेशान करती है ये, और इसी वजह से मेरी वीडियो लेट आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप तो बस जल्दी जल्दी में ऐसी बनी है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आपने देख ही लिया, इस तरह से मनाते हैं हम अपनी करवा चौथ। और बहुत मुश्किल था चांद का दिखाई देना क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, लेकिन गणेश जी महाराज की कृपा से चांद दिखाई दे गए और हमारा व्रत पूरा हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं अपने एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय करो, बाय बाय।